तो दोस्तों गूगल पर ऐसे बहुत सारे डिजाइन्स हैं, चाहे वो पिंट्रस्ट पर हो या फिर ड्रिबल पर हो, बहुत सारे ऐसे डिजाइन्स हैं जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं पर जिन्हें बनाना उस लेवल का बनाना पॉसिबल नहीं लग पाता है। और इसका दो रीज़न होता है, पहला हमें सोर्स कोड नहीं मिल पाता है और दूसरा कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे अगर बात करें इस इमेज की, इसे भी मैंने गूगल पर ही देखा था और साथ किसी एप्लीकेशन में, तो इसे देख करके मैंने सोचा क्यों ना इस डिज़ाइन को बनाया जाए और मैंने कोशिश की, ये डिज़ाइन बन गया। पर एक कॉम्प्लिकेशन जो थी वो थी इस इमेज की, यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमेजेस लगाए लेकिन वो दिखने में उस लेवल का नहीं लग पा रहा था जैसा इसका ओरिजिनल डिज़ाइन था। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे मैंने बनाया फोटोशॉप पर जाकर के। यहाँ पर फोटोशॉप मेरा खुला ओपन है, मैं आपको एक एक पार्ट अलग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जितना भी इसका लेवल है, तो दोस्तों इस एक इमेज के कारण डिज़ाइन मेरा बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपको इमेज चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको वहाँ PhD इमेज भेज दूँगा, उसे आप मॉडिफाई करके कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो। और बताना चाहूँगा, मैं हर प्रोजेक्ट में, हर वीडियो में आपको जो भी, जैसे ये रेक्टेंगल का ड्रॉवल फाइल का कोड होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे हर डिज़ाइन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ इन सारे ड्रॉवल फाइल के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल, बढ़ते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो खुला हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो एक काम करना है, जो मैं आपको हर प्रोजेक्ट में बताता हूँ, आपको बिल्ड ग्रेडल में जाकर के एक दो लाइब्रेरी ऐड करना है। पहला डिज़ाइन का लाइब्रेरी और दूसरा यहाँ पर मैं बस एक कार्ड व्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक कार्ड व्यू का लाइब्रेरी ऐड कर रहा हूँ। इसे भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब करते हैं डिज़ाइन शुरू। तो यहाँ पर एक नेविगेशन एक्टिविटी लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं एक डैशबोर्ड डिज़ाइन होम पेज के लिए, तो इसलिए नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी एक ले चुके हैं हम। और अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है, हमें रिलेटिव लेआउट के अंदर ये डिज़ाइन को बनाना है, जो हमारा जो मेन है। अगर यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट लेआउट आ रहा है तो उसे हटा करके आप यहाँ पर रिलेटिव लेआउट कर लीजिएगा। फिर उसके अंदर जाना है, आपको एक स्क्रॉल व्यू लेना है। स्क्रॉल व्यू लेकर के मैच पैरेंट, हाइट भी मैच पैरेंट, बस यहाँ पे थोड़ा मार्जिन बॉटम मारना है। क्यों मारना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका काम लास्ट में ही होगा। 40 dp कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 48 dp कर रहा हूँ। अब इस स्क्रॉल व्यू के अंदर हमें सारा डिज़ाइन करना है। बताना चाहूँगा यहाँ पे जो मैंने मार्जिन बॉटम मारा, ये नीचे से थोड़ा छोड़ा हुआ है, ये इस बटन के लिए, ताकि जो भी स्क्रॉल हो इसके ऊपर से हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब स्क्रॉल व्यू लेने के बाद क्या करना है, हमें एक लीनियर लेआउट लेना है। तो चलिए एक लीनियर लेआउट लिया जाए जिसका विड्थ हमें रैप कंटेंट रखना है, हाइट हमें मैच पैरेंट रखना है, इसे करते हैं यहाँ पे क्लोज। मेरा ऑटो सजेशन काम नहीं कर रहा शायद किसी कारण से, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन लगा देना है वर्टिकल। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर आपको जाना है और एक और लीनियर लेआउट ले लेना है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। बस आपको दूसरे लीनियर लेआउट में क्या करना है, यहाँ पे हाइट आपको 140 dp करना है, 140 dp। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर आपको बैकग्राउंड लेना है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं जो लगा रहा हूँ, मैंने जो इमेज बनाया है वो लगा रहा हूँ, इसका नाम मैंने डैशबोर्ड बैनर रखा है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, नेमिंग कन्वेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर आना है, आप चाहे तो इसके अंदर एक इमेज व्यू ले करके भी SRC में इस इमेज को लगा सकते हो, पर लीनियर लेआउट में भी कोई दिक्कत नहीं, इससे कोड हमारा थोड़ा छोटा होगा। अब एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, यहाँ पर विड्थ यहाँ पे मैच पैनल लेंगे, हाइट यहाँ पे रैप कंटेंट लेंगे, एक और काम करते हैं यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे मैच रैप कंटेंट को हटा के यहाँ पर भी मैच पैरेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस टेक्स्ट व्यू में आते हैं,
यहाँ पर टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट यहाँ पर जो भी होगा वो डाटाबेस से उठ के आएगा, जो भी लोग यहाँ पर जो भी पर्सन यहाँ पर लॉग इन करेंगे उसका नाम आएगा। यहाँ पे मैं डिजाइनिंग मंत्र डाल रहा हूँ, डिजाइनिंग मंत्र डालने के बाद अलाइनमेंट जिसका सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करने के बाद कलर यहाँ पे व्हाइट डालते हैं, टेक्स्ट कलर का कोड व्हाइट कर। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कलर भी हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आईडी डालते हैं क्योंकि हम यहाँ पे फॉन्ट का भी यूज़ करना है, और जब आप इस पर कोडिंग करोगे तो आईडी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, जब डाटा बेस से उठ के इसमें नाम आएगा। तो आईडी यहाँ पे क्या डालते हैं, TXP नेम। अब क्या करना है, ये टेक्स्ट व्यू लेने के बाद एक और टेक्स्ट व्यू हमें लेना है इसी के जस्ट नीचे, तो सिंपल इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट को चेंज करना है, लेट मी हेल्प यू टू फाइंड योर राइट। यहाँ पे आईडी को चेंज करते हैं क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होता है। टेक्स्ट रख देते हैं, तो यहाँ पे इसका भी काम हमारा हो गया है, दूसरा जो हमारा टेक्स्ट व्यू है। अब हमें क्या करना है, अब इस लीनियर लेआउट को, ये जो लीनियर लेआउट है इसे हम क्लोज कर रहे हैं, ये दूसरा वाला इसके अंदर हम ये डैशबोर्ड बैनर लगाए हैं इसे यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब एक और टेक्स्ट व्यू लेना है हमें, इसके लिए भी हम लोग इस टेक्स्ट व्यू को कॉपी करते हैं, बंद करते हैं यहाँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले आईडी चेंज करते हैं, आईडी यहाँ पे क्या देना है, TXV पिकअप। यहाँ पे टेक्स्ट में भी हमें चेंज करना है, टेक्स्ट में क्या देना है, पिकअप लोकेशन। यहाँ पे बीच में एक हाइफन दे दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पिकअप लोकेशन। अब मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप मारना है, तो मार्जिन लेफ्ट कितना मारना है, मार्जिन लेफ्ट आपको 8 dp मारना है, मार्जिन टॉप आपको मारना है 15 dp। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कलर को डिफाइन करना है, टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर तो इसमें पहले से है, बस यहाँ पर हम लोग ब्लैक डालते हैं, कलर कोड 000। और ग्रेविटी यहाँ पे कर देते हैं, या ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ग्रेविटी को हटा देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू का काम हो गया। अब एक और लीनियर लेआउट लेना है इसी के नीचे में, जस्ट एक लीनियर लेआउट लिए, सॉरी एक लीनियर लेआउट लिए जिसका विड्थ होगा मैच पैरेंट, हाइट यहाँ पे हम लोग 45 dp रखेंगे। अब इस लीनियर लेआउट में मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप मारना है। मार्जिन लेफ्ट कितना मारना है, मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे आपको मारना है 10 dp, मार्जिन टॉप आपको यहाँ पे मारना है 8 dp, मार्जिन राइट आपको यहाँ पे मारना है 10 dp, मार्जिन राइट मारने के बाद यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है।
इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेना है इसके अंदर। बैकग्राउंड में क्या करना है आपको, ग्रे रेक्टेंगल बटन ले लेना है, ग्रे रेक्टेंगल बटन। ये बटन का सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारा ड्रावल में बना हुआ फाइल है, ठीक है, जिसका सोर्स कोड मैं आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्रावल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिलहाल इसे बंद करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया, अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमें जाना है। अभी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर की काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, तो फटाफट एक इमेज व्यू लेना है। इमेज व्यू लेने के बाद आपको विड्थ उसका 50 dp रखना है, डिफाइन कर देना है विड्थ 50 dp। विड्थ 50 dp लेने के बाद आपको इसका हाइट मैच पैनल रखना है। हाइट मैच पैनल लेने के बाद पैडिंग इसमें आपको मार देना है 8 dp। पैडिंग दोस्तों मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मेरे इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है, 250 पिक्सल का है। आप इमेज ऐसे आइकॉन्स को आप फ्लैट आइकॉन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे कलरफुल आइकॉन मिल जाएगा आपको, या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में वेक्टर एसेट में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर SRC लेते हैं, यहाँ पर क्या लगाना है हमें, ग्रीन लोकेशन। तो हमारा ग्रीन लोकेशन आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और टेक्स्ट व्यू लेना है हमें, तो क्यों ना फिर हम लोग कॉपी पेस्ट करें, जिससे हमारा और आपका दोनों का टाइम बचे। अब इसी इमेज व्यू के नीचे पे जाके एक टेक्स्ट व्यू ले लेना है हमें, ठीक है। जहाँ पे हमें अब क्या करना, हम किसके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब पिकअप लोकेशन लिखेंगे। तो जो थोड़ा डार्क इमेज दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ये बोल्ड में आप देख रहे हैं, ये थोड़ा हल्का का है, दोनों के टेक्स्ट में फॉन्ट में बहुत अंतर है, ताकि दिखने में ये ज़्यादा अच्छा लगे। तो बहुत बारीकी से बनाया जा रहा है डिज़ाइन को। अब आगे आते हैं टेक्स्ट व्यू में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ID चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर TXT स्टार्ट लोकेशन, स्टार्ट लोकेशन मैं शॉर्ट में नाम दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, विड्थ आपको मैच पैनल रखना है, हाइट आपको रैप फॉन्टेन रखना है, टेक्स्ट में आप पिकअप लोकेशन ही रहेगा, मार्जिन लेफ्ट 8 dp रहेगा, मार्जिन टॉप आपका, यहाँ पर मार्जिन टॉप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर से आप मार्जिन टॉप को हटा देना है। ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर नहीं रहेगा, सेंटर वर्टिकल रहेगा। सॉरी, यहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगा, ग्रेविटी आपको क्या करना है, सेंटर वर्टिकल कर देना, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आ चुका है वर्टिकली। हाइट आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच पैरेंट कर देना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा बोल्ड करना है और साइज को थोड़ा ज़्यादा करना है इस टेक्स्ट के। तो यहाँ पे साइज देंगे, टेक्स्ट साइज हमें आ रहा कितना, 14 dp, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, दिखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए, 14 dp देंगे। स्टाइल क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल को थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ज़रूरी नहीं कि आप बार बार मतलब फॉन्ट का ही यूज़ करो, मैंने बस 2-3 चीज़ों के लिए यहाँ पे फॉन्ट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल देना है हमें, बोल्ड करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हमारा सारा इस टेक्स्ट का भी काम हो चुका है, मार्जिन लेफ्ट 8 dp देना है, मार्जिन टॉप को यहाँ से हटा देना है। अब इस टेक्स्ट व्यू का काम हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, हमारा इस पार्ट का काम हो चुका है, तो इस लीनियर लेआउट को यहाँ पे करते हैं हम लोग क्लोज। अब इसी को, इस लीनियर लेआउट को कॉपी करते हैं और इसी लीनियर लेआउट के नीचे बाहर निकल कर इससे पेस्ट करते हैं। एक और लीनियर लेआउट लेंगे तो एक और हमारा बॉक्स आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं आ रहा है। डिजाइन में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पिकअप लोकेशन है, ड्रॉप अप लोकेशन है, एक टेक्स्ट
तो पिकअप लोकेशन तो हमने ले लिया है, पर पिकअप लोकेशन में टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, इस टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर को हटाना है, यहाँ पे सेंटर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी को सेम कॉपी करते हैं। और इस लीनियर लेआउट के नीचे जाकर के कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए अभी इस लीनियर लेआउट को हटा रहे हैं जिससे मैंने कॉपी किया था। ठीक है, अभी हमने ये बनाया, इसके लिए लीनियर लेआउट लिया, इसके अंदर मैंने इमेज डाला, टेक्स्ट डाला, उसे बंद किया। अब उसके नीचे जाके एक टेक्स्ट भी डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर पिकअप नहीं होगा, यहाँ पर ड्रॉप अप होगा, तो यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद अब क्या करना है, पिकअप को हटा करके यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन है। इतना करने के बाद हमारा ये भी टेक्स्ट आ गया। अब क्या करना है, अब इस लीनियर लेआउट को, इसके अंदर वाला को जिसमें हमने एक आइकॉन लिया है उसे कॉपी करना है, पूरे लीनियर लेआउट को कॉपी करना है और टेक्स्ट व्यू के नीचे जा करके पेस्ट करना है। एकदम सिंपल है, आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। पहले एक हमने टेक्स्ट लिया, फिर एक लीनियर लेआउट लिया जिसके अंदर हमने एक आइकॉन लिया, एक टेक्स्ट लिया, फिर इस लीनियर लेआउट को बंद कर दिया, फिर एक टेक्स्ट लिया, फिर एक लीनियर लेआउट लिया, सेम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। बस इसमें आप दो चीज़ चेंज करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कलर आइकॉन का चेंज और ड्रॉप लोकेशन करना है। तो इस लीनियर लेआउट को खोलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्रीन लोकेशन के को हटा करके रेड लोकेशन डालना है, ये भी हमारा आ गया। अब यहाँ पर टेक स्टार्ट लोकेशन नहीं है, यहाँ पर हम लोग इन लोकेशन कर देते हैं। ठीक है, इन लोकेशन कर दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पिकअप को हटा करके ड्रॉप लोकेशन करना है। तो यहाँ पर हमारा इसका काम हो गया। अब जो सबसे मेन पार्ट है हमारे डिज़ाइन का वो ये है, ये जो कार्ड व्यू के अंदर मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो मैं आपको ये कार्ड व्यू का कोड प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपको ड्रॉवल का कोड तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं इस कार्ड व्यू का एक्सएमएल कोड आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप कॉपी करके पेस्ट कर देना और फिर सेम इस कोड को ही इस साइड पेस्ट करना। ये दोनों सेम कोड है, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आसानी से आप इसे बना पाओ। तो आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। ठीक है, अब हम कार्ड व्यू की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस लीनियर लेआउट को भी बंद कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हो चुका है हमारा काम, अब एक छोटा सा काम करना है और। अब क्या काम बच गया भाई, अब दो टेक्स्ट हमें और डालना है, तो एक और लीनियर लेआउट ले लेते हैं फटाफट। लीनियर लेआउट लेने के बाद क्या करते हैं, मैच पैरेंट लेते हैं, रैप कंटेंट लेते हैं, लीनियर लेआउट के अंदर जाते हैं, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट मारते हैं, लेफ्ट कितना मारना है भाई, मार्जिन 10 dp मारना है, टॉप मारना है मार्जिन, मार्जिन टॉप जा 15 dp मारना है, ये तो हो गया। अब क्या बचा है, अब बचा है मार्जिन राइट, मार्जिन राइट कितना मारना है 10 dp, मार्जिन लेफ्ट और राइट 10 dp बराबर एकदम मारना है। ओरिएंटेशन यहाँ पर देना है, ओरिएंटेशन क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे देना है। अब यहाँ पे विड्थ सम का यूज़ कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपको डिज़ाइन के साथ जो अगर बिगनर्स कोई देख रहे हैं तो उसे विड्थ सम का यूज़ भी करना आ जाता है। विड्थ सम का यूज़ करके क्या होता है ना, हम लोग स्क्रीन को दो इक्वल साइज में बांटते हैं जो एकदम रिस्पॉन्सिव दिखता है जब वो डिज़ाइन बनता है। तो यहाँ पर तो कुछ खास तो है नहीं, बस टेक्स्ट भी दो डालना है, फिर भी हम लोग विड्थ सम का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो विड्थ सम यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, टेक्स्ट व्यू लेना है, तो टेक्स्ट व्यू लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले विड्थ को बताएगा क्या होगा, विड्थ यहाँ पे हमें 0 dp डिफाइन करना है। क्यों करना है मैं बताता हूँ, हाइट यहाँ पर रैप कंटेंट होगा,
अब क्या करना है, लेआउट विड्थ लेना है, लेआउट विड्थ यहाँ पर कितना लेना, 0.5। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम लोग विड्थ 0 डिपी इसलिए दिए क्योंकि विड्थ हमें कुछ डिफाइन ही नहीं करना। अगर यहाँ पर 40 डीपी अगर हम दे दें या फिर 20 डीपी दे दें या फिर 10 डीपी दे दें तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेआउट विड्थ डिफाइन करें, मतलब जो हमारे जो एक स्क्रीन है हमारा उसको हम लोग दो पार्ट में पहले डिवाइड किए हैं, इस विड्थ हम 1 लिए हैं, मतलब ये पूरा का साइज 1 है, अब इसको हाफ ऑफ पार्ट में बांट रहे हैं, तो 0.5 इधर 0.5 इधर, ताकि ये इक्वली डिवाइडेड रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं लेआउट विड्थ का, इसलिए हम लोग 0.5 लिए हैं। तो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दोनों लेंगे, तो पहले लेफ्ट लेते हैं यहाँ पे 12 dp, राइट लेते हैं यहाँ पे 12 dp। मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट दोनों लेने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में क्या लिखना है, टेक्स्ट में आपको लिखना है पिकअप डेट, यहाँ पे डेट तो चाहिए भाई, पिक अप डेट। कैब बुकिंग एप्लीकेशन के लिए ये शानदार डिज़ाइन है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा वीडियो लंबा होता है क्योंकि मैं कोड को लिख कर बताता हूँ, पर इसे देखिएगा, इसे बनाइएगा, इसे कुछ नया सीखिएगा। अब यहाँ पे कलर डिफाइन करते हैं, कलर यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, ग्रे कलर, तो ग्रे का कलर कोड एकदम सिंपल 5e 5e 5e। अब यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, आईडी में क्या है, पिकअप डेट txt पिक डेट, हम आईडी शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अच्छे से आईडी प्रोवाइड कीजिएगा। पिकअप डेट के बाद इसका तो काम हमारा हो चुका है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसे सेम इसे कॉपी करना है और नीचे इसके पेस्ट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिकअप डेट नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप ऑफ डेट। इसके टेक्स्ट को हम लोग चेंज करके यहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, ड्रॉप ऑफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ पे पिकअप लोकेशन यहाँ पे भी ड्रॉप ऑफ लोकेशन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पहले इस टेक्स्ट को काम करते हैं फिर वहाँ पे भी हम लोग ड्रॉप ऑफ ही कर देते हैं, ड्रॉप ऑफ। इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे एक काम बचा हुआ, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं 8 dp देंगे, यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है, टेक्स्ट कलर भी हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, तो हमारा यहाँ तक काम हो चुका है टेक्स्ट व्यू। तब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इस कार्ड व्यू को डिज़ाइन करना है हमें, तो इसका भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये बस एक साइड का कोड होगा, दोनों साइड वैसे सेम ही कोड है, तो इसका एक कोड आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करें जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। इसके पहले आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे एक पहले तो ये टेक्स्ट दो जो हमने टेक्स्ट लिया है उस लीनियर लेआउट को हमें क्लोज कर देना है, अब इस लीनियर लेआउट के नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक रिलेटिव लेआउट लेना है, यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लेना है जिसका विड्थ होगा मैच पैरेंट और हाइट होगा जिसका 105 dp। इतना करने के बाद अब आपको इस रिलेटिव लेआउट के अंदर ही रहना है, मैं थोड़ा साइज को जूम करता हूँ, रिलेटिव लेआउट के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट आपको यहाँ पर लेना है 17 dp, मार्जिन टॉप आपको लेना है 10 dp, मार्जिन राइट आपको लेना है 17 dp। इतना करने के बाद आप रिलेटिव लेआउट के अंदर आपको जाना है, एक लीनियर लेआउट लेना है, जिसका विड्थ होगा मैच पैरेंट
इसकी हाइट भी होगी मैच करेंट। ओरिएंटेशन यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है। ग्रेविटी आपको यहाँ पे सेंटर रखना है। विड्थ सम यहाँ पे ले लेना है 1। अब आपको इस लीनियर लेआउट के अंदर जाना है और जो कोड आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ डिस्क्रिप्शन में कार्ड व्यू के लिए उसे आपको कॉपी करना है। ध्यान रहे वहाँ पर ये ब्रैकेट सपोर्ट नहीं करता एंगुलर ब्रैकेट, तो इसके जगह पे मैं वहाँ पर आपको सिंपल ब्रैकेट डाल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है पूरा और आप इस लीनियर लेआउट के अंदर जाके पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, जैसे आप पेस्ट कीजिएगा आपका एक डिज़ाइन बिल्कुल इस तरह से आएगा। तो आपका अगर यहाँ पे तो यहाँ पे आपको तो ये ब्रैकेट मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एंगुलर ब्रैकेट तो मिलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट सपोर्ट नहीं करता। तो इसके जगह पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए ब्रैकेट है, इसे आपको एक बार में रिप्लेस कर देना है। इसे सेलेक्ट करना है आपको, इस ब्रैकेट को CTRL R प्रेस करना है, यहाँ पे आ गया। अब इसको आपको किससे रिप्लेस करना है, तो एंगुलर ब्रैकेट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट डाल के रिप्लेस ऑल कर देना, जितना जगह भी ये ब्रैकेट होगा वो एंगुलर ब्रैकेट से रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरह ये जो क्लोज है एंगुलर ब्रैकेट उसे भी आपको इसी तरह से क्लोज करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक को रिप्लेस कर रहा हूँ, एक देखिए मेरा रिप्लेस हो गया। अब क्या करना है, ये जो कोड हमने पेस्ट किया है ये कार्ड व्यू से इसे बंद करते हैं यहाँ पे, फिर इसे ये कॉपी करते हैं, नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, इसमें इरर आ रहा है क्योंकि इसका आईडी और उसका आईडी दोनों का सेम होगा। तो आईडी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे दीजिए। मैं यहाँ पे कुछ भी दे रहा हूँ ताकि मेरा इरर ख़त्म हो। आप अपने प्रोजेक्ट में अच्छे से इसे कीजिएगा, या आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं मंथ सेकेंड। स्टार्ट टाइमिंग यहाँ पे इरर सॉल्व हो चुका है, दोनों डिज़ाइन हमारा आ चुका है। अब उसी तरह इसे भी मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पर रिलेटिव लेआउट की हाइट थोड़ी कम हो गई है, सॉरी यहाँ पे 185 देते हैं तब ये परफेक्ट साइज़ में आ जाएगा। हाँ, तो रिलेटिव लेआउट लेना है, उसकी हाइट को 185 dp कर दीजिए। फिर एक लीनियर लेआउट लेना है, फिर जो कोड है कार्ड में उसे पेस्ट करना है, फिर उसे दोबारा पेस्ट करना है। आईडी सिमिलर हो जाए तो आईडी को चेंज कर देना है। अब इस रिलेटिव लेआउट को भी यहाँ पर इस लीनियर लेआउट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा इसका भी काम हो गया। अब लास्ट काम एक बचा है, बटन का काम। उससे पहले मैंने आपको कहा था यहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पे भी जाके हम लोग ड्रॉप लोकेशन को ड्रॉप ऑफ कर देते हैं ताकि पिकअप और ड्रॉप ऑफ एक जैसा लगे, दिखने में अच्छा लगे। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। हाँ, तो हमारे ये कार्ड व्यू का काम हो चुका है, हमारा कार्ड व्यू आ गया। अब कार्ड व्यू के बीच में आप देखेंगे कि एक एरो है, जैसे कि यहाँ पे एक एरो, तो अब इस एरो को हमें सेट करना है। यहाँ पे एरो को सेट करने के लिए क्या करना है, इस लीनियर लेआउट को पहले बंद कर देते हैं जिसके अंदर हमारा दोनों कार्ड व्यू है। अब उसके नीचे आते हैं, याद रहे इसे रिलेटिव लेआउट के अंदर हमें करना है जिसके अंदर हम दोनों कार्ड व्यू को लिए हैं। फिर लीनियर लेआउट के नीचे आइए सिंपल। अब यहाँ पे आप एक रिलेटिव लेआउट लीजिए, रिलेटिव लेआउट लेने के बाद यहाँ पे विड्थ रैप कॉन्टेंट होगा, हाइट भी आपको क्या करना है मैच पैरेंट देना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेविटी भी सेंटर कर देना है। फिर इस रिलेटिव लेआउट के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे एक इमेज व्यू लेना है जिसके अंदर हम वो एरो लगाएंगे। तो यहाँ पे इमेज भी मैंने ले लिया है, जिसके विड्थ आपको कितनी देनी है
42 dpi, और जिसकी हाइट आपको देनी है 45 dpi। अब यहाँ पे क्या करना है, एक SRC लगाना है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, एरो होगा। एरो आप फ्लैट आइकॉन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एरो भी आ गया। अब इस रिलेटिव ब्लॉड को बंद कर देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। पहले एक रिलेटिव लेआउट लेना इस पार्ट के लिए। इस पार्ट के लिए एक रिलेटिव लेआउट लिए हैं, उसके अंदर एक लीनियर लेआउट लिए हैं जिसके अंदर दोनों कार्ड व्यू लिए हैं। फिर उस लीनियर लेआउट को बंद कर दिए हैं। उसके नीचे एक रिलेटिव लेआउट लिए हैं जिसके अंदर एक इमेज व्यू लिए हैं जिसमें हम लोग एरो लगाए हैं। हमारे यहाँ तक पूरा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, एक लास्ट काम हमारा जो बच गया है वो है इस बटन के लिए। तो बटन के लिए क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में जाना है, स्क्रॉल व्यू के नीचे जाना है, एकदम लास्ट चले जाना है, स्क्रॉल व्यू के नीचे जाना है। एक रिलेटिव लेआउट लेना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट लेने के बाद आपको मैच पैरेंट देना है, रैप कॉन्टेंट देना है हाइट। उसके बाद आपको क्या करना है, अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू कर देना है। अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू करने के बाद यहाँ पे ग्रेविटी भी आप बॉटम कर दीजिए ताकि डिज़ाइन में कोई दिक्कत ना आए, डिज़ाइन एकदम रिस्पॉन्सिव रहे। अब इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हमें जाना है। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, विड्थ मैच पैरेंट होगा, हाइट 45 dpi होगा, ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं। और फिर बैकग्राउंड यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ग्रीन बटन, जिसका सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये ड्रावल ग्रीन बटन का। टेक्स्ट स्टाइल बोर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने बटन नहीं लिया क्योंकि इसमें मैं फॉन्ट नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल बोर्ड ला गया बटन में जो कि नहीं आता। अब टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर। टेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखना है हमें, क्लिक टू कंटिन्यू, सारा कैपिटल में होगा, क्लिक टू कंटिन्यू। टेक्स्ट कलर यहाँ पे अब हो जाएगा आपका वाइट। और एक छोटा सा काम और छूट गया यहाँ पर, हमें क्या करना है, ये जो लीनियर लेआउट है जिसमें मैंने एक बैनर का फोटो लगाया है, यहाँ पर रैप कंटेंट है तो यहाँ पे आपको मैच पैरेंट कर देना है। यहाँ पर मैच पैरेंट कर देना है। और हो सकता है आप में टेक्स्ट अलाइनमेंट सपोर्ट नहीं करे आपके वर्जन में, तो ये इसको हटा करके आपको क्या करना है, ग्रेविटी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ग्रेविटी सेंटर कर सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट सपोर्ट नहीं किया तो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डिज़ाइन पूरा बनकर हो गया तैयार। अब इसमें एक छोटा सा काम बचा है जावा वाले पार्ट में, इसमें बस फॉन्ट लगाना है। तो फॉन्ट का कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वर्क्स ऑन रेगुलर लगाया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल फॉन्ट में जा करके। और आप सेम अगर कोड सेम नेमिंग कन्वेंशन आपका भी रहेगा जो मैंने रखा है जो मेरे वीडियो में है, तो आपको बस इस कोड को पेस्ट करना रहेगा। और इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए मैंने जैसा कि बताया गूगल फॉन्ट में जाइए, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और फॉन्ट के लिए एक सिंपल सा फोल्डर बनाना पड़ता है, एसेट्स फोल्डर, जो मैंने बना लिया पर मैं आपको बता देता हूँ। रिसोर्स में जाकर राइट क्लिक करना है आपको, न्यू में जाना है आपको। न्यू में जाने के बाद आपको क्या करना है, फोल्डर में जाना है, यहाँ पे आपको एसेट्स फोल्डर मिलेगा, क्लिक करना है और आपको कुछ नहीं बस फिनिश कर देना है, बाकी कोई कुछ नहीं करना है, आपको चेंज लोकेशन नहीं करना है, कैंसिल कर देना है यहाँ पर। फिर इस एसेट्स फोल्डर में जाके आपको क्या करना है, जो भी फॉन्ट आप डाउनलोड कीजिएगा उसे पेस्ट कर देना है, आपका यहाँ पर आ जाएगा सारा फॉन्ट। तो अब दोस्तों आप डिज़ाइन को बनाइए, देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।